मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सच बोलना चाहिए, अरे झूठ बोलो ना, क्या दिक्कत है. बट द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सच बोलने से क्या होता है और झूठ बोलने से क्या होता है. जो झूठ बोलता है वो आज दूसरों से बोलता है तो बाहर भी फंसता है, क्योंकि उसका रिलेशन लंबा नहीं चलेगा, लोगों को पता लग जाएगा तो झूठा है, उस पर कोई विश्वास ही नहीं करेगा. जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा वो लाइफ में आगे क्या खाक बढ़ेगा. सर किसी कॉन्सिक्वेंसेस में आप फंस गए हैं और अब सच बोलते हैं तो हमें पता है बहुत नुकसान हो जाएगा, तो फिर झूठ बोलना पड़ता है फिर, क्योंकि हमें पता है कि हमारा नहीं और भी लोगों का हो जाएगा, तो उन लोगों का ना हो, अपना ना सोचिए पर उन लोगों के लिए भी बुरा ना हो, इस वजह से ऐसे बोलना पड़े, तो व्हाट टू डू. कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बाहर झूठ बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ व्हाटएवर रीजंस. कम से कम अपने आप से तो सच बोलो, दैट इज इंपॉर्टेंट. खुद से झूठ नहीं बोलना, दैट इज सच. और धीरे धीरे अगर आप अपना इस लेवल को बढ़ा सको, यानी कि खुद से सच बोलना है, शुरुआत यहां से हो, और धीरे धीरे बाहर भी सच बोलना है, इन 99.99% ऑफ द केसेस, 0.01% ठीक है, चलता है. अपनी जान बचाने के लिए, किसी और की जान बचाने के लिए आप कर रहे हो, या किसी और को बुरा ना लगे, अननेसेसरी कोई हर्ट ना हो आपके उस सच की वजह से, तो आप नहीं बोल रहे हो. ठीक है, मोटिव अच्छा ही है ना पीछे से आपका. कहने का मतलब कोई मैनिपुलेशन नहीं, आप बिल्कुल सीधे साधे, बिल्कुल एब्सोल्युटली सीधा साधा हो जाना मतलब सिद्ध हो जाना. योगा में एक वर्ड होता है सिद्ध, आप लोगों को पता नहीं होगा, सिद्धि, ये सबसे बड़ी सिद्धि है. लोग सिद्धियां किसको समझते हैं, पानी पे चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं, ये सिद्धियां किसी काम की है. आपने 20 साल तक कुछ प्रैक्टिस करी, 20 साल बाद क्या हुआ, अब आप पानी पे चल सकते हो, अब आप पानी में डूबोगे नहीं, तो उसको बोलो बोल दो, अरे खच्चर तूने अपने 20 साल खराब करे लाइफ के, किस लिए, कि तू पानी पे चल के इस नदी के यहां से वहां पहुंच सके, इससे अच्छा 5 रुपए बोट वाले को देता. सोचो, ये चलो मान लो ये करके उड़ गए, अबे कौवा भी उड़ता है तो उड़ के तूने क्या क्या उखाड़ लिया. Have you got peace of mind? सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि आप बिल्कुल सीधे साधे हो, जो जैसा है वैसा दिख जाता है आपको सब कुछ. तो सर जो सच किसी और के लिए सच है वो हमारे लिए झूठ हो सकता है? वो सच नहीं है. जो सच किसी के लिए सच है, किसी के लिए झूठ है, वो सच नहीं है. जो सच सबके लिए सच है इररिस्पेक्टिव ऑफ थॉट, वो सच है. सर बट जो हम कलर्स देख रहे हैं वो हमें लगता है सच है, लेकिन अगर उसकी रियलिटी पे जाए वो तो झूठ है, क्योंकि समुद्र का पानी नीला दिखता है लेकिन पानी का कोई कलर नहीं होता. नहीं, कलर्स दिख रहे हैं ये सच है, ये झूठ नहीं है. बारिश पानी की कुछ बूंदे गिरी, उसमें से लाइट पास हुई और एक रेनबो दिख रहा है, क्या वो रेनबो झूठ है? अरे सच है, दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है, सच है. लेकिन अगर हम कहें यही सच है तो ये इनकम्प्लीट सच है, समझ गए. बट रेनबो है, लाइट वहां पर है, ये सच है. अगर आप कहो वहां पर रेनबो है ही नहीं तो ये झूठ हो गया. सिंपल है ना, मतलब सच बहुत ही सिंपल है, सच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. रेनबो है सच, बट ये जो रेनबो आया ना ये परमानेंट है, ये हमेशा के लिए रहने वाला है, ये क्या है? झूठ है. रेनबो कुछ देर के लिए रहने वाला है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सम कंडीशंस, जैसी वो कंडीशंस चेंज होंगी रेनबो दिखना बंद हो जाएगा, ये सच है. समझ गया ना, एक एक करके हम आगे बढ़ते जा रहे हैं. रेनबो के पीछे एक मिनट समझो, रेनबो के पीछे जो लाइट है उसका कोई कलर नहीं है, बट रेनबो के पीछे लाइट है, ये सच है झूठ है? सच है. समझ लेना, मैं लेयर्स को टच कर रहा हूं एक एक करके, अगर आप देख पाओ कि सच को कैसे देखते हैं. इसको कोई चैलेंज कर सकता है जो भी बातें मैं बोल रहा हूं अभी? नो सर. तो ये सच है, इसको कैसे चैलेंज करोगे? स्टेप बाय स्टेप बता दो. तो उसके पीछे जो लाइट है उसका अपना कोई कलर नहीं है, ये सच है झूठ है? अब ये आपको कैसे पता लगेगा? अर्थ है वहां पर, सन है, उसके बीच में अगर आप देखोगे तो डार्कनेस है, तो लाइट नहीं दिखती है. लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है किसी सरफेस पे पड़ के तब दिखती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सरफेस उसके हिसाब से दिखती है. या तो वो ट्रांसमिट होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन के कहां से वो ट्रांसमिट हो रही है, किसी क्रिस्टल में से ट्रांसमिट होगी तो जो क्रिस्टल की क्वालिटी है उसके हिसाब से लाइट दिखती है. क्या वो जो दिखता है वो पूरी लाइट है या लाइट का एक छोटा सा एस्पेक्ट है? ज्यादा हो रहा है, मजा आ रहा है. एक रेनबो है, आप कह रहे हो ये रेनबो लाइट में जो कुछ भी है वो उस रेनबो में दिख गया है, ये सच है झूठ है? झूठ है. क्या उस लाइट में अल्ट्रा वायलेट रेज नहीं है? नहीं.
क्या उस लाइट में इंफ्रारेड रेज नहीं है? तो लाइट में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है. हम एक उस लाइट के लिमिटेड एस्पेक्ट को देख रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेशन ऑफ आवर सेंसेस. ये सच है झूठ है? आंखों की लिमिटेशन है, बट अगर आंखों के आगे हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐड कर दें तो हम कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स को देख सकते हैं जो अभी इन आंखों से हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है. ये सच है झूठ है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट हमको सब कुछ नहीं दिखा सकता है. देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट विच कैन शो अस एवरीथिंग. तो इंस्ट्रूमेंट इज ऑलवेज लिमिटेड. लाइट इज नॉट लिमिटेड. समझ गए? नहीं समझे? कहां समझे? तो ऐसे ही जब हम देखते हैं चीजों को तो बड़ी क्लियरली चीज नजर आने लग जाती है. तो यहां से क्या निकला? अगर कुछ आपको समझ आया आज, आज कुछ अगर सच समझ आया, सच को कैसे देखते हैं, तो ये सब जो भी कलर्स आपको दिख रहे हैं वो सब क्या है? लाइट है. वो लाइट जिसमें कोई कलर नहीं है. लाइट का खुद का कोई कलर नहीं है, लेकिन ये सब कलर्स उसी लाइट के हैं. ये भी सच है. अब देखो ना कितना मजेदार है सच. इट लुक्स कॉन्ट्राडिक्टरी. दैट इज द ब्यूटी ऑफ ट्रूथ. झूठ में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होती है. जो मैं कह रहा हूं ना वही सही है, वहां पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन ही नहीं है. तो है ठीक है, तू मानता रहे. किसी ने कुछ पकड़ लिया, किसी ने कुछ पकड़ लिया, अपनी इल्यूजन्स क्रिएट कर ली. नहीं नहीं नहीं, जो इस किताब में लिखा हुआ है वही सही है, जो इधर लिखा है वही सही है, जो इधर लिखा है वही. सब झूठ. सच में आपको कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है. देयर इज ब्यूटी इन दैट, देयर इज डेप्थ इन दैट. कोई भी चीज झूठ होगी तो बड़ा शैलो होगा, उसमें डेप्थ नहीं नजर आएगी. यहां पर डेप्थ नजर आएगी. इस बात की गहराई को आप देख पा रहे हो. लाइट इज कलरलेस, बट सारे कलर्स लाइट में ही है. जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाओगे वैसा ही दिखने लग जाएगा. क्या दिख सकता है? कुछ भी दिख सकता है.